जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। सोमवार से 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण चल रहा है। सदन के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब एक एक कर सभी सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिला रहे हैं। सोमवार को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी। अब तक 350 से अधिक सांसदों ने शपथ भी ले ली। और इस बीच मंगलवार को AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी के शपथ ग्रहण के दौरान लोकसभा में हंगामा हो गया। शपथ लेने के बाद ओवैसी ने ऐसे नारे लगाए जिसको लेकर कई सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की। ओवैसी ने शपथ लेने के बाद नारा लगाया, जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और फिर जय फिलिस्तीन कहा। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर, जो क़ानून के मुजब तय पाया है, एतक़ाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इख्तदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। फिर उन्होंने अल्लाहु अकबर के भी नारे लगाए। इस पर बीजेपी के कई सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की, उन्होंने विरोध भी दर्ज कराया। इस पर प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि अगर ओवैसी ने कोई आपत्तिजनक बात कही है तो उसे कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। ओवैसी हैदराबाद से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, वो 5वीं बार सांसद बने हैं। विवाद के बाद ओवैसी ने सफाई दी और कहा कि फिलिस्तीन बोलना संविधान के खिलाफ कैसे हो सकता है। भाजपा सांसद जी किशन रेड्डी का काम तो विरोध करना ही है। दरअसल ओवैसी इससे पहले भी कई बार फिलिस्तीन को लेकर आवाज उठा चुके हैं, लेकिन भारत की संसद के सदस्य के रूप में शपथ के दौरान उनका जय फिलिस्तीन के लिए जय लगाना बिल्कुल अलग मामला है। बता दें कि ओवैसी अपनी कट्टर छवि और बयानों के लिए अक्सर विवादों में आ जाते हैं और जाहिर है ओवैसी खुद भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका उठाया गया कोई भी कदम या फिर उनकी कही गई कोई भी बात सुर्खियों में जरूर छाएगी। और जब मौका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में शपथ लेने का हो तो जाहिर है पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी रहती हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि अपनी बात को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश ओवैसी ने इस अंदाज से कर डाली। वैसे फिलिस्तीन के मसले पर अक्सर ओवैसी अपना बयान देते रहे हैं। बीते साल अक्टूबर में तो ओवैसी ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को शैतान तक कह डाला था और कहा था कि फिलिस्तीन में जो हालात हैं वो केवल मुस्लिमों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानियत के लिए चिंता का विषय हैं। उन्होंने तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसराइल की तरफ से गाजा में हो रही बमबारी को रोकने के लिए डिप्लोमेटिक कदम उठाने की अपील की थी। बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो वो लोकसभा सीट से पहली बार 2004 में जीतकर सांसद बने। इसके बाद 2009, 2014, 2019 और फिर 2024 में अपनी जीत का सिलसिला उन्होंने बरकरार रखा। दूसरी तरफ बात भारत और इसराइल के संबंधों की जाए तो दोनों देशों की साझेदारी किस स्तर की है ये सभी को पता है। रक्षा के क्षेत्र से लेकर अन्य क्षेत्रों में भी भारत और इसराइल के रिश्ते पहले से भी ज़्यादा मजबूत होते देखे गए हैं। इसके अलावा हमास और इसराइल के युद्ध छिड़ने की खबर जब आई तो भारतीय कंपनी अडानी डिफेंस के किलर ड्रोन की सप्लाई करने के बाद भारत की सरकारी रक्षा कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने इसराइल को विस्फोटक की सप्लाई भी की। बताएं कि इससे पहले अडानी डिफेंस ने भारत में बने इजरायली मूल के किलर ड्रोन हर्मीज को इजरायल को निर्यात किया था। इसे इजरायल की कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर ही तैयार किया जा रहा है। दरअसल भारत और इजरायल के बीच रक्षा संबंध दशकों पुराना है। कारगिल युद्ध के वक्त इजरायल ने भारत को लेजर बम दिए जिससे कि पाकिस्तानी सैनिकों के ठिकानों को तबाह करने में मदद मिली थी, जिसके बाद भारत की तरफ से इजरायल को हुई सैन्य मदद कर्ज चुकाने के रूप में इसे देखा गया। अब ये जान लीजिए कि भारत फिलिस्तीन के संबंध आखिर कैसे रहे हैं। 1988 में भारत फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक बन गया था। 1996 की बात करें तो भारत ने गाजा में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला, जिसे बाद में साल 2003 में रामल्लाह में स्थानांतरित कर दिया गया।
भारत ने हमेशा बहुपक्षीय मंचों पर फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए समर्थन जुटाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी 2018 को फिलिस्तीन की ऐतिहासिक यात्रा की थी, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। दुनिया के कई देशों में फिलिस्तीन पर इजरायली हमलों को तत्काल रोकने की मांग भी चल रही है। उधर अमेरिका में भी हजारों की संख्या में छात्रों ने गाजा में स्थायी सीज फायर की मांग कर रखी थी। अभी मई के महीने में ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और फिलिस्तीन के लिए 2 समाधान का समर्थन किया था। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा था कि भारत 2 समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां पर फिलिस्तीन के लोग सुरक्षित सीमा के भीतर एक स्वतंत्र देश में रह सकेंगे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के आवेदन पर पुनर्विचार करने की बात की थी। वहीं यूएन भारत की स्थायी प्रतिनिधि यूएन में रुचिरा कंबोज ने हमास की भी निंदा की थी और कहा था कि आतंकवाद को सही नहीं ठहराया जा सकता। भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है। हम सभी बंधकों को बिना शर्त रिहाई की मांग भी करते हैं। कंबोज ने गाजा में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवीय कानूनों का पालन करने के लिए भी कहा था। तो कुल मिलाकर ओवैसी की तरफ से लोकसभा की सदस्यता के दौरान लगाया गया जय फिलिस्तीन का नारा अब चर्चा में फिर से आया है। ऐसे में देखना यह है कि आने वाले वक्त में इस पर किस तरफ से क्या क्या बातें निकल कर आएंगी और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई असर होता दिखाई देगा।